सीजन है, धनतेरस का दिन है। बाजारों की रौनक ने व्यापारियों के चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कान लौटा दी है, जो महामारी के दौर में न सिर्फ व्यापारियों के बल्कि हर किसी के चेहरे से गायब हो गई थी। त्योहारों की श्रृंखला में पहली कड़ी धनतेरस के दिन बाजार खरीदारों की भीड़ से गुलजार नजर आया। कोई पूजा के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदता तो कोई घर सजाने के लिए रंगोली के रंग खरीदता नजर आया। जहां एक तरफ ज्वेलरी की दुकानें ग्राहकों की भीड़ से गुलजार दिखी तो वहीं दूसरी ओर बाइक शोरूमों में लोग बढ़ चढ़ कर बाइकें खरीदते नजर आए। इस बाबत आई इंडिया की टीम बाजार का हाल जानने विभिन्न प्रतिष्ठानों तक पहुंची। आइए आपको भी दिखाते हैं कि बाजार में धनतेरस के दिन क्या नजारे नजर आए। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। हम मौजूद हैं इस समय शहर की मुख्य बाजार लालबाग में। धनतेरस का दिन है, त्योहारों का सीजन है। आपको हमारे पीछे नजर आ रही भीड़ यह आपको संकेत दे रही है कि त्योहारों की रौनक का स्तर क्या है। लोग बढ़ चढ़ कर त्योहारों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों में भी उत्साह देखा जा रहा है। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सारे अपनी खरीदारी करने यहाँ आए हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं जो ये कुछ रंग या रंगोली सजाने के लिए रंग खरीद रही हैं। आप देख सकते हैं कि कोई रंग खरीद रहा है तो कोई गणेश लक्ष्मी की पूजा के लिए उनको सजाने के सामान खरीद रहा है। पड़ोस में ज्वेलर्स की दुकान है, आप देख सकते हैं कि दुकानदारों में कितना उत्साह है। उन्होंने अपनी दुकान को सजा रखा है, कस्टमर्स को जो है सुविधाएँ मुहैया कराना चाह रहे हैं कि जो त्यौहार है, जो हमारी रौनक खो गई थी महामारी के दौर में, उसको फिर से वापस ले करके हम अपने त्यौहार को खुशनुमा बनाएंगे। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि कुछ बनी बनाई रंगोलियाँ बिक रही हैं, ग्रह लक्ष्मी के पैर रंगोलियाँ, इन सब की बिक्री हो रही है। कोई ये आरती की बत्तियाँ बेच रहा है तो कोई मोर पंख बेच रहा है। कस्टमर्स क्या क्या कहना है? मैडम, आप यहाँ पे क्या खरीदारी करने आए हैं? सामान खरीदने आए हैं। अच्छा, आपको ये रौनक देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, महामारी के बाद ये हमारा त्योहार इतना खुशनुमा, इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, बाजारों की रौनक देख के आप क्या कहेंगी? हमें बहुत अच्छा लग रहा है सामान खरीदने में। आप भाई साहब? जी, मैं खरीदारी करने ही निकला हूँ मैडम के साथ में। अच्छा, मैडम के साथ, बच्चों के साथ में। अच्छा, जी जी। तो देखिए, ये अपने यहाँ अपने परिवार को खरीदारी कराने आए हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ में हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि दुकानों के क्या हाल हैं। सर क्या खरीदारी करने आए हैं आप? अरे, दीपावली की खरीदारी। और क्या दीपावली की खरीदारी? हाँ, ये रौनक देख के आपको अच्छा लग रहा है? अंदर से खुशियाँ महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, त्योहारों के ये महामारी के बाद ये त्योहार पड़ रहा है। हाँ हाँ, तो रौनक पूरी तरीके से लौट गई है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया लौट गई है, बहुत लौटना है ही है, कोरोना से जीतना है। भाई साहब का कहना है कि कोरोना से जीत कर हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम टू टाइम हम अपनी गति पकड़ रहे हैं। बाजार की रौनक, बाजार के नज़ारों के साथ आई इंडिया के लिए अरुणेश अवस्थी। संवाददाता प्रियांशु मिश्र मौजूद हैं इस वक्त ऑटोमोबाइल बाजार में, देखते हैं क्या रौनक है यहाँ की। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के अग्रवाल ऑटो सेल्स में। आप देख सकते हैं कि आज धनतेरस का दिन है और किस तरह से लोग बाइक खरीदने के लिए यहाँ पर बाइकों के लिए भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो कोरोना काल में खोई हुई रौनक थी वो एक बार फिर से बाजार में लौटने लगी है। लोग अपनी मनपसंद बाइक खरीद रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बाइक तैयार हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ भीड़ है और त्यौहार में एक बार फिर से खोई हुई रौनक लौट आई है। हम आपको एक ग्राहक से बात कराते हैं कि उन्होंने कौन सी गाड़ी खरीदी है और किस लिए खरीदी है। भैया, कौन सी गाड़ी ली आपने? गाड़ी हमारे पास थी नहीं, एक धनतेरस का अच्छा मौका था, उस अवसर था, इसीलिए हमने सोचा एक बाइक ले लेते हैं। क्या खासियत है गाड़ी में? गाड़ी बहुत अच्छा लुक, इसका नया लुक आया है, इसके और कोई भी टाइप नहीं है। तो आपने देखा कि इन्होंने ग्लैमर गाड़ी खरीदी है और इसका अच्छा लुक है और अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। हम आपको एक दूसरे ग्राहक से बात कराते हैं कि उन्होंने कौन सी बाइक ली है और किस लिए खरीदी है। ब्लैक कलर की स्प्लेंडर प्लस। ये देखिए, इनकी गाड़ी तैयार हो रही है, क्यों बाइक खरीदी स्प्लेंडर प्लस? माइलेज अच्छा है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग लिया है। क्या नाम है आपका? अखिलेश। तो
तो अखिलेश ने यहाँ पे स्प्लेंडर गाड़ी खरीदी है। देखिए धनतेरस का शुभ अवसर है और घर में नई बाइक ना आए तो बात नहीं बनती है। अब हम आपको यहाँ के शोरूम के मालिक से बात कराते हैं, अनमोल से, कि पिछले वर्ष और इस वर्ष में बाइक की बिक्री में क्या अंतर आया है। पिछले वर्ष लमसम हम लोग ने 350 गाड़ियाँ बिक्री करी थी, इस वर्ष कम से कम 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। लमसम 250 के आसपास पहुँचने का अनुमान है हम लोगों का। मार्केट में पैसा कम होने की वजह से कस्टमर कम आ रहा है। लेकिन जो रंगत खोई थी बाजार की, वो कुछ हद तक वापस लौटती दिख रही है कि नहीं? अभी तक कुछ इतनी रंगत वापसी नहीं दिख रही थी, आज देख के कुछ लग रहा है कि आगे आने वाले दिन हमारे अच्छे होने चाहिए। तो हमने अनमोल से बात की, उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष करीब 350 गाड़ी बेची थी और करीब 3 करोड़ के बिजनेस का अनुमान था। इस बार बाइक की बिक्री में 30% की कमी जरूर आई है, लेकिन बाजार में एक बार खोई हुई रौनक फिर से लौट आई है। सीतापुर से कैमरामैन समीर के साथ प्रियांशु मिश्रा। सराफा बाजार का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता निशांत गुप्ता मौजूद हैं लालबाग बाजार में। हम इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर शहर के सैगल ज्वेलर शॉप पे। आज धनतेरस पर्व के त्यौहार पर, जैसा कि हमारे पारंपरिक एक परंपरा है कि महिलाएं पुरुष सभी लोग जो है सोने के गहने चांदी भगवान सभी कुछ लेते हैं। आइए आपको दिखा दें कि इस कोरोना काल में भी जो रौनक है वो फिर से वापस है। लोग खरीदारी कर रहे हैं। देखिए कैसे लोग खरीदारी कर रहे हैं, कोई कहीं पे कान के बाले देख रहा है, कोई ग्राहक को दिखा रहा है। आइए आपको और दिखाते हैं, ये देखिए कोई मांग बेदी के जो हैं वो खरीद रहे हैं। आइए मैं इनसे पूछते हैं। जी मैं ज्वेलरी लेने आई हूँ मैं, शादी की मेरी शादी है, मैं उसी की ज्वेलरी लेने आई हूँ। स्पेशल होता है, एक यादगार रहती है, इस वजह से अच्छा लग रहा है। लेकिन इंसान अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेगा ना तो और भी अच्छा लगेगा, उसी तरीके से अपनी शॉपिंग भी करे, इंजॉय भी करे, वो हर चीज़ का ध्यान भी रख करके करे। कहना है कि इन्होंने आज इनकी मतलब इनकी शादी होने वाली है, इसके लिए आज धनतेरस के पर्व पर इन्होंने ज्वेलरी खरीदने का एक समय निकाला। आपको आइए दूसरी जगह बात कराते हैं कि कुछ महिलाएं और भी हैं। आज के दिन शुभ माना जाता, अच्छा होता है, धनतेरस है, इसलिए आज ही लेते हैं सब लोग, अच्छा लग रहा है बहुत। ये ग्राहक महिलाएं हैं, देखिए कि कैसे बता रही हैं कि आज के दिन ही शुभ माना जाता है, खरीदा जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं हम दुकान के मालिक से बात करना चाहेंगे, उनसे पूछते हैं कि क्या जो रौनक थी आई है वापस, कैसा उनका व्यवसाय? हाँ थोड़ी बहुत रौनक तो लौटी है साहब, अच्छा तो लगेगा ही, कब रौनक आई उसका अच्छा तो लगता ही है, लेकिन रिस्क भी है और आगे की थोड़ा उम्मीदें भी हैं कि भाई और अच्छा चले। उससे मुकाबला तो बहुत कम है पिछले साल के मुकाबले, इस साल कोरोना काल के चक्कर में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा। आपने देखा जैसे कि यहाँ के सैगल के मालिक ने बताया है कि जो रौनक है वो कम है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, 20% पिछली बार की अपेक्षा इस बार व्यवसाय कम आका जा रहा है। आई इंडिया के लिए कैमरामैन समीर के साथ निशांत गुप्ता, सीतापुर। धनतेरस में बर्तन बाजार में क्या रौनक है, इसका हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास शुक्ला। आज शहर की बर्तन मंडी में धनतेरस के दिन, और देख रहे हैं यहाँ की भीड़ भाड़ देख के पता चल रहा है कि कोरोना पे त्योहार भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। कल जो बर्तन व्यापारी थोड़ा मायूस से नजर आ रहे थे, आज उनके चेहरों पे भीड़ देखकर खुशी नजर आ रही है। पुलिस भी देखिए चाक चौबंद है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है कि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि धनतेरस पर ग्राहक बढ़ चढ़कर बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। आई इंडिया से विपिन राजवंशी के साथ विकास शुक्ला। दीपावली में घर सजाने के लिए लोगों की इलेक्ट्रॉनिक झालर खरीदने के लिए खूब भीड़ उमड़ी, इसका हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता विपिन राजवंशी मौजूद हैं घंटा घर पर। हम मौजूद हैं इस समय घंटा घर मार्ग पे, आप देख सकते हैं हमारे पीछे धनतेरस के मौके पर झालरों की दुकानों पर खरीदारी करने लोग आने लगे हैं, भीड़ भी जुटने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ 80 रुपये से 1000 तक झालरों का रेट है जो बिक रहा है। जो उम्मीद थी कोरोना काल में वो दुकान पे भीड़ देखने मिल रही है। आई इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर। तो आपने देखा कि धनतेरस के दिन बाजार किस तरह लोगों की भीड़ से गुलजार दिखा। हालांकि व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। व्यापारियों ने गत वर्ष की अपेक्षा 20-30% कम व्यापार होने की बात कही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि धनतेरस के बाजारों में जमकर धन वर्षा हुई। बाजारों का हाल आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।